बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं मलिक ग्राफी यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट राहिल मलिक। नाज़रीन ग्रामी, आपको एक ताज़ा खबर देते चलें कि वज़ीरे आज़म इमरान खान ने किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी है। पाकिस्तानी तारीख में पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि किसानों के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, पाकिस्तान के तमाम तर गरीब और अमीर किसानों के लिए अगर किसी वजीर आजम ने कोई इकदाम उठाए हैं तो वो है वजीर आजम इमरान खान। वजीर आजम इमरान खान ने अपनी तकरीर में तमाम तर किसानों के दिल जीत लिए हैं। देखिए इस क्लिप को और बताइएगा और सोचिएगा कि वजीर आजम इमरान खान ने पाकिस्तान के किसानों के दिल कैसे जीते। पहले तो मैं आप सबको एक चीज़ वाज़ह करना चाहता हूँ कि मैं ना किसी कोई लॉबी का हिस्सा हूँ, ना मेरे कोई बिजनेस इंटरेस्ट हैं पाकिस्तान में। मैं तो एक स्ट्रगल करके सिर्फ एक मकसद के लिए आया था कि मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने इस मुल्क को हर नेमतों से बख्शा है। ये वो मुल्क है जो कि हम जब बड़े हो रहे थे तो बड़ी तेज़ी से ऊपर जा रहा था और हमने अपनी ज़िंदगी में फिर इसको ऊपर जा के फिर सिर्फ इसलिए नीचे आते देखा कि इस मुल्क में नाइंसाफ़ी है। अल्लाह का एक कानून है कि मेरी ज़मीन पे जो कौम इंसाफ अल्लाह की ज़मीन पे इंसाफ करेगी वो कौम ऊपर चली जाएगी। सिंपल है, ये अल्लाह का कानून है। शरीयत जो है, शरीयत की जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है इंसाफ, और जो नाइंसाफ़ी है वो हज़रत अली का कौल है कि कुफर का निज़ाम चल जाएगा लेकिन नाइंसाफ़ी और ज़ुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। तो जो हमने आके देखा आते साथ ही चीनी की कीमत बढ़ रही है, किसानों को पैसे नहीं मिल रहे, जो अभी जमशेद ने बड़ी अच्छी तरह बताया कि जो सेट प्राइस भी था, सपोर्ट प्राइस किसानों के लिए, वो भी उनको मिलता था, और उसकी और जो चीनी की ये सारी इंडस्ट्री थी इसके अंदर एक पूरा एक माफिया बैठ गया था जो कि महंगी चीनी भी बेचता था, किसानों को भी पैसे नहीं देता था, और जो इनको प्रॉफिट्स मिलते थे, जो नफ़ा मिलता था वो भी डिक्लेयर नहीं करता था, पूरे टैक्स भी नहीं देता था, तो हर तरह फ़ायदा उठाता था। और बदकिस्मती से ये मुल्क में और भी जगह पे इस तरह के माफियाज बैठे हुए हैं जो कि करप्ट निज़ाम से फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मेरी तो स्ट्रगल ही 23-25 साल से करप्शन के ख़िलाफ़ थी, क्योंकि करप्शन एक ऐसी चीज़ है, हुक्मरानों की करप्शन, मैं ये वाज़े कर दूँ। एक तो निचले लेवल पे होती है करप्शन, सरकारी नौकर करते हैं, पटवारी वगैरह करते हैं, वो एक टैक्स होता है वहाँ पे, लोग तंग होते हैं, लेकिन जो हुक्मरानों की करप्शन है वो मुल्क को तबाह कर देती है। सारी जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, जो जिसको कहते हैं तीसरी दुनिया, उसकी सारे उनके हुक्मरान खुद पैसे चोरी कर करके मुल्क से बाहर पैसा लेके जाते हैं। ये सारी जिसको तीसरी दुनिया या डेवलपिंग वर्ल्ड कहेंगे, उन सब की एक ही कहानी है। उनके लोग आते हैं इक्तदार में, हुकूमत में बैठते हैं, और जब वो पैसा बनाना शुरू करते हैं तो वो सारा निज़ाम भी तबाह कर देते हैं, और जब वो पैसा बनाते हैं तो और भी ताकतवर पैसा बनाना शुरू हो जाता है, तो वो मुल्क कभी आगे बढ़ नहीं सकता। सो ये स्ट्रगल थी 25 साल से। तो जब हमने देखा, हमने शुरू में इतनी ताकत थी शुगर मिल एसोसिएशंस की, जब FIA ने प्रोब किया, इन्वेस्टिगेशन शुरू की, तो उन्होंने बकायदा धमकी दी FIA को कि अगर तुम ये प्रोब करोगे तो हम चीनी गायब कर देंगे और ऊपर चली जाएगी कीमत। बहरहाल हमने वो एक्ट भी किया, बड़ा मुश्किल था, उसमें सब ताकतवर अक्रॉस पार्टी लाइंस उधर बैठे हुए हैं, और उसके बाद हम ये कानून भी हमने बदला, एक्ट लेके आए, और उसके बाद फिर आप सबके सामने है कि एकदम रात के अंधेरे में वो एक्ट भी बदल गया। तो ये ताकत है माफिया की। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरा ये ईमान है कि ये मुल्क उठेगा तब जब हम अपनी शॉर्ट टर्म के अंदर, इस पर कई चीज़ें हैं ना, एक तो शॉर्ट टर्म है, एक फिर मीडियम है, फिर लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म में जो हमें चीज़ उठा सकती है और जिसने उठाया है वो है हमारा एग्रीकल्चर, हमारी ज़रिए इस्लाम, और उसके अंदर अभी तो हमने सिर्फ यही किया कि किसानों को गन्ने का पैसा टाइम पे मिला और पूरा पैसा मिला, बस यही अभी किया। हमने कानून बना के शुगर मिल से किसानों को सही टाइम पे और कीमत दिलवा दी,
उससे जो खुशहाली आई किसानों की और देहात के अंदर, वो साफ नज़र आ गई कि हमारी ये जो अभी फ़ख्र इमाम साहब ने शुरू में बताया कि रिकॉर्ड प्रोडक्शन हो गई हमारी चार फसलों की, और सवाए कॉटन के बल्कि सारी फसलों ने बड़ा अच्छा किया, और गन्ने की भी सेकंड बेस्ट प्रोडक्शन थी, चावल की भी, राइस की भी, और उसकी मकई की भी। सो एक ही दम, एक ही साल के अंदर अंदर हमें इसका फल मिल गया मुल्क को। और अब आगे जाके मैं आपको ये श्योरिटी देता हूँ कि हमने अब इससे इधर रुकना नहीं, हमने आगे जाना है। आपसे मुसलसल हमारी मुलाकातें रहेंगी, आपके पास फैसल इमाम, फ़ख्र इमाम जो कि एक्चुअली ख़ुद किसान है, और फिर जमशेद चीमा जो हमने स्पेशली लेके आए हैं, कि ये सारे पाकिस्तान में ट्रेवल करें, किसानों से मिलें, पता चलवाएं, नई नई चीज़ें लेके आएँ। दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है, लाइफ स्टॉक की आपने बात की, वहाँ गाय की यील्ड जो पैदा जो दूध देती है वो 6 गुना ज़्यादा है पाकिस्तान से, 5 गुना ज़्यादा है। फिर चाइना के अंदर हम गए, चाइना ने जब भी मैं गया हूँ, चाइनीज़ ने पूरी हमें सपोर्ट एक्सटेंड किया है कि आप बताएं हम टेक्नोलॉजी में कैसे आपकी मदद कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हम अब पूरी तरह आपके साथ मिल के किसानों को और चाइनीज़ की जो वेरियस टेक्निक्स है आपको इकट्ठा करेंगे, ताकि आपके लिए आसान हो, आप हमारी मदद कर सकें कि किस तरह की आपको इनपुट चाहिए उनसे, जिसमें आपने कहा कि ड्यूटी फ्री इक्विपमेंट मंगवा सकते हैं वहाँ से, वो चाइना के पास सस्ती भी है, उन्होंने बड़ी तेज़ी से वो आगे, दुनिया में अगर कोई मुल्क सबसे तेज़ी से आगे जा रहा है वो चाइना है। और हमारी बड़ी खुशकिस्मत यह है कि सी पैक की वजह से हमारा चाइना के साथ, हमने एग्रीकल्चर को भी अब सी पैक के बीच में डाल दिया, यानी वो हमारी पूरी मदद करेंगे। रिसर्च है, सीड डेवलपमेंट है, इस सब के ऊपर अब हमने फैसला किया कि हम इमरजेंसी पे काम करेंगे। और इसमें बिल्कुल आपने ठीक कहा कि आपकी इनपुट, ख़ास तौर पे जो ज़मीन पे काम कर रहे हैं, आपकी इनपुट की हमें सारा वक्त हमें ज़रूरत होगी। मैं आपको सिर्फ ये श्योरिटी देता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट जो भी, और मैं अपनी इंडस्ट्री से भी बात कर रहा हूँ, इंडस्ट्री में भी, लार्ज स्केल इंडस्ट्री में बड़ी ज़बरदस्त हमारी ग्रोथ हुई है। तो इंडस्ट्री बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए, शॉर्ट टर्म में तो एग्रीकल्चर है, लेकिन आखिर तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जब तक पाकिस्तान में नहीं होगा तो हमारी वेल्थ क्रिएशन नहीं होगी, हम ये कर्जे वापस नहीं कर सकेंगे। तो इंडस्ट्री को भी हम चाहते हैं कि उनकी पूरी मदद करें, वो प्रॉफिट्स बढ़ाएं, लेकिन प्रॉफिट्स और प्रॉफिटियरिंग में फ़र्क है। प्रॉफिट्स बढ़ाएँ लेकिन फिर अपना माशरे में कॉन्ट्रीब्यूट करें, टैक्सेस दें, तो जैसे ही मुल्क उठता जाएगा सारों का फ़ायदा होता जाएगा, जिसमें इंडस्ट्री भी है। लेकिन ये ना करें कि कार्टेल्स बना लें, मोनोपोली बना के आर्टिफिशियल कीमतें बढ़ाएं, लोगों को भी महंगी चीज़ें मिलें, किसानों को भी पूरी कीमत ना दें। इसके ऊपर मैं आपको श्योर करता हूं कि हमारी गवर्नमेंट पूरा इसके ऊपर तुली हुई है कि आपको किसी किस्म की एक्सप्लॉटेशन नहीं होने देगी। मैं फिर से आप सबका शुक्रगुजार हूँ आप यहाँ आए, और मैं आपको ये भी श्योरिटी देता हूँ कि मुसलसल आपसे कॉन्टैक्ट्स आएंगे, मैं भी मिलूंगा, लेकिन मेरी टीम आपसे ज़्यादा मिलती रहेगी। हम खोकर साहब, मैं आपको ये भी कह दूं कि हमने ये ट्यूबवेल, क्योंकि बिजली का समय मसला ये है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं पहली गवर्नमेंट्स ने, बिजली महंगी खरीद रहे हैं ये बिजली घर से, और जो बेच रहे हैं वो उस कम कीमत में, तो बीच में बहुत बड़ा एक गैप आ गया जिसकी वजह से सर्कुलर डेट है। तो हम अगर कीमत इधर ही रखते हैं तो वो कर्जे बढ़ते जाते हैं, अगर ऊपर बढ़ाते हैं तो ज़ाहिर है वो इंडस्ट्री भी शोर मचाती है, किसान भी शोर मचाता है। इसका हम हल ढूंढ रहे हैं, लेकिन जो जिस तरह सोलर की कीमतें नीचे आती जा रही हैं बड़ी तेज़ी से, तो हमारी पूरी कोशिश यह है कि हम सोलराइजेशन के ऊपर जाएँ, ट्यूबवेल्स के ऊपर, ताकि वो एक कॉन्स्टेंट भी रहे, मसला भी ना है किसानों का। लेकिन ये जो अभी आपने बात की है, ये भी हम सोच रहे हैं कि हम कैसे किस तरह आपको रिलीफ दें ट्यूबवेल्स के ऊपर। ओके जी, थैंक यू।